मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस तो देखने को मिलेगी, बट मैं आज थोड़ी सी अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आज आपको 5 ऐसी मूवीज रिकमेंड करूँगा जो आपको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए अपने एंटायर लाइफ में, और इन 5 मूवी में से अगर आप कोई एक मूवी भी देख लोगे तो बाकी 4 मूवी आप डेफिनेटली वॉच करोगे, और साथ ही साथ मुझे पर्सनली थैंक यू भी बोलोगे। हर एक मूवी को कुछ टाइम मिलेगा ये प्रूफ कर देगा कि वो आपका कीमती टाइम क्यों डिजर्व करती है। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, नंबर 5 की जो मूवी है उसका नाम सोर्स कोड है। इस मूवी का कंसेप्ट थोड़ा सा वियर्ड है, आपको कंसेप्ट बताता हूँ। एक ब्रेन बचा हुआ है बॉडी में से, और उस ब्रेन को टेक्नोलॉजी की मदद से एक क्रिमिनल को किस तरह से पकड़ा जाता है ये मूवी में आपको देखने को मिलेगा। एक बार वॉच ज़रूर करना, बहुत ही दिमाग घुमाने वाली मूवी में बोल सकता हूँ इसको। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है एक रिसर्च में कि हम लोग हमारे ह्यूमन ब्रेन को 1% भी यूज़ नहीं कर पाए, बट वॉट इफ हम हमारे ब्रेन का पूरा 100% यूज़ कर पाए। सेम यही कंसेप्ट पर बेस है नंबर 4 की मूवी लूसी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक ह्यूमन अगर अपने ब्रेन को पूरा 100% यूज़ करता है तो क्या क्या हो, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। नंबर 3 की मूवी जो है दोस्तों, आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि हम ह्यूमंस ने काफ़ी बार टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है। कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसको टेस्ट करते हैं, बट क्या हो टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स को टेस्ट करें कि वो टेक्नोलॉजी परफेक्टली बनी है या नहीं बनी। इस मूवी का नाम दोस्तों एक्स मशीना, एक्स मशीन, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। इसमें आपको टेक्नोलॉजी, एक रोबोट किस तरह ह्यूमन को टेस्ट करता है कि ये रोबोट ठीक तरह से प्रिपेयर है या नहीं, ज़रूर एक बार वॉच करना इस मूवी को। दोस्तों, नंबर 2 की मूवी और नंबर 1 की मूवी बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, साथ ही साथ एक कमेंट छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, भले चाहे फीडबैक हो या फिर आपके कोई सजेशन हो। तो नंबर 2 की जो मूवी है ये मूवी का नाम है सर्चिंग। अब जैसा नाम वैसा काम भी है इस मूवी में, बट मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मूवी है ये एक लैपटॉप के स्क्रीन पर बनी हुई है। अगर आपको विंडोज़ OS चलाना नहीं आता है या मैक OS चलाना नहीं आता है तो इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करना, आप बहुत हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना जान जाओगे। साथ ही साथ इस मूवी में आपको कहीं भी कैमरा एंगल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो मूवी का कंसेप्ट है बहुत ही इपिक कंसेप्ट है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, एक बारी इसको ज़रूर वॉच। दोस्तों, अगर आपको मेरे 4 बताई हुई मूवी इसमें से जो कंसेप्ट है पसंद आ रहे हो तो मुझे आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM करके थैंक्स बोल सकते हैं, या फिर आपके कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी आप मुझे DM करके बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो एक बार जाके फॉलो ज़रूर कर देना। नंबर 1 की मूवी पर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को या सोशल मीडिया को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो और आप इन सब टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लेना। ये मूवी भाई साहब दिमाग पर चढ़ जाएगी, दिमाग घुमा देंगी आपका, और इस चीज़ पर आपको मजबूर कर देंगी कि आप सोशल मीडिया से या टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रहें। इस मूवी का नाम है सोशल डिलेमा। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बट इस मूवी में आपको बताया गया है द डार्क साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो इसको भी ज़रूर। अगर आपके पास में कोई सजेशन है मूवीज़ के, या अगर आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में क्या क्या चेंजेस करूं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। मैं मिलता हूं आपसे कमाल के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।